हाय गाइस, आज मेरे पास जो है दो आईफोन 14 प्रो मैक्स की बॉक्स है और मैं आपको ये दोनों बॉक्स क्लोजली दिखाऊंगा। आपको पहचानना है कौन सा असली और कौन सा नकली फोन है। तो सबसे पहले फ्रंट से देखो, फिर दोनों की ये वाली प्रोफाइल दिखाता हूँ। दोनों साइड आईफोन लिखा हुआ है। उसके बाद फिर इस साइड देखोगे, यहाँ पर भी आईफोन है, बस इसमें ये डिफरेंस है और बाकी ऊपर और नीचे बिल्कुल ऐसा रहता है। और ये जो आप लोग देख रहे हो, आप बैक साइड देख लो, आप बताओ आपके हिसाब से लेफ्ट वाला असली है या फिर राइट वाला असली है। ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कौन सा फेक है और कौन सा असली, बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आजकल ना बड़ा तगड़े लेवल का स्कैम चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कुछ फेक इंस्टाग्राम अकाउंट खुले हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हम 10,000 रुपए में आईफोन 14 प्रो मैक्स दे रहे हैं। मतलब जो भी लेटेस्ट आईफोन होगा ये 10,000 रुपए में बेचते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम चलता है इंस्टाग्राम पे। उनका कहना है कि वो अमीर लोगों के क्रेडिट कार्ड चुरा कर फिर आईफोन ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद सस्ते में आप लोग को देते हैं। ऐसा नहीं होता। बट सिमिलरली ऑफलाइन मार्केट में भी होता है। अगर आप किसी मोबाइल शॉप वाली एरिया में जाओगे तो वहां पर आपको एक बंदा आएगा आपके पास और बोलेगा कि देखो मेरे पास एक आईफोन है, और वो आपको असली आईफोन दिखाएगा और बदले में आपको एक फेक आईफोन पकड़ा देगा। तो आज वाली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे फेक आईफोन की पहचान आपको करनी है और ये एक्चुअली में क्या आपको खरीदने चाहिए या फिर नहीं। हो सकता है भाई किसी को शो ऑफ के लिए चाहिए हो। सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। ये है नकली आईफोन का बॉक्स और ये है असली आईफोन, और मैं आपको बताता हूं पहचान क्या है, क्योंकि देखो फ्रंट से तो दोनों बहुत सिमिलर दिखते हैं। सबसे पहली बात, नकली आईफोन के राइट साइड में ऐसी कोई यहां पर स्टिकर नहीं बना हुआ, बट ये असली पहचान नहीं है। अगर आप असली बॉक्स में देखोगे ना, यहां पर शाइनी भी है और हल्का सा पर्पल कलर है इसके हर जगह पे, चाहे फिर एप्पल लोगो में पर्पल कलर है या फिर इस साइड भी आईफोन लिखा हुआ, इसमें भी पर्पल कलर रहता है हल्का सा। आई मीन जिस कलर का आप फोन खरीदोगे उस कलर में आईफोन लिखा हुआ बॉक्स पे। और दूसरी पहचान है कि असली बॉक्स के अंदर ना सार वैल्यू भी लिखी होगी और यहां पर एक सर्टिफिकेशन भी होगी, जबकि नकली वाले फोन में कोई सर्टिफिकेशन और सार वैल्यू नहीं लिखी हुई। तीसरी बात, थोड़ी कैमरे पे समझानी मुश्किल है, बट आप देख सकते हो कि जो असली फोन का बॉक्स है यहां पर फॉन्ट जो है डिफरेंट है और यहां पर जो है बिल्कुल अजीब सा गैप मेंटेन करके और टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। तो दोनों की लिड एक साथ हटाते हैं गाइस, और ये असली आईफोन है, ये नकली है। देखो दोनों तो बिल्कुल एज इट इज रखे हुए हैं, बट असली आईफोन के बॉक्स में ना ज्यादा डेप्थ होती है इस वाले एरिया में, जबकि यहां पर नकली बना रखा है। अब फोन हटाते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पर देखो रिवर्स है दोनों चीजें और पूरा मतलब बॉक्स सीधा है। तो जो नकली वाला आईफोन है उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर ये केबल रखी हुई मिलती है जो कि टाइप ए टू यहाँ पर लाइटनिंग है, और पीछे बॉक्स के मेंशन कर रखा है कि टाइप सी टू लाइटनिंग मिलेगी, जो कि एक असली आईफोन में होती है ना कि टाइप सी टू लाइटनिंग केबल मिलती है आपको ऐसी। और असली आईफोन में ना एप्पल स्टिकर मिलता है और ये जो नकली आईफोन है इसके अंदर एप्पल स्टिकर्स नहीं है, बट हाँ यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल बिल्कुल असली लगती है। और ये जो बॉक्स के छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, मैं सिर्फ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत साल से आईफोन को अनबॉक्स करते हुए आ रहा हूँ और हमारा तो काम ही यही है। बट अगर कोई नॉर्मल इंसान इस बॉक्स को देखे कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये फेक है। और सिमिलर बात मैं बैक पैनल के लिए भी बोलना चाहूंगा, यार ये एक्चुअली में नकली फोन जो है बहुत असली दिखता है। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, जो नकली आईफोन है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट आते हैं और हटते ही नहीं है। मतलब अगर मैं इनको कपड़े से भी साफ करूँ ना तब भी ये साफ ही नहीं होते। तो ये बहुत अच्छी पहचान है अगर आपको एक नकली आईफोन पहचानना है तो। जबकि देखो एक असली आईफोन के अंदर आप ऐसे करोगे तो यहां पर फिंगरप्रिंट बिल्कुल साफ हो जाएंगे, बट एक बात कहनी पड़ेगी कि यार नकली आईफोन ने ना काफी अच्छी कॉपी बनाई है कैमरा मॉड्यूल की। खैर फिर भी हम पहचान सकते हैं इन लेंसेज को देख के कि ये सारे नकली लेंसेज हैं। और इस नकली आईफोन को मैंने अभी बूट किया है और इसमें एप्पल लोगो बना हुआ आ रहा है गाइस, देखना कितने बड़े लेवल पे ये बेवकूफ बनाते हैं। एक और चीज, मैंने पहले भी एक फेक आईफोन यूज करा हुआ है और वो इतने भारी नहीं होते थे। अब मैं अगर रियल वाले फोन से कंपेयर कर रहा हूँ ना, इसके अंदर एक थोड़ा सा मतलब हैवीनेस है इसको और रियल फील देता है ये। तो गाइस बहुत बड़े लेवल पे कॉपी बनने लगी आईफोन की। आई रिपीट, इतनी प्रीमियम कॉपीज होती है कि लेफ्ट साइड देख लो और नीचे की साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम सेम लगता है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो पावर बटन वाली साइड है वो भी एकदम सेम है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जो फेक आईफोन है इसका ये जो म्यूट स्विच है ये भी वर्क करता है। अब साइलेंट पे हो गया फोन और अब जो है रिंग पे हो गया है। लेकिन जैसे ही आप फोन को बूट करोगे ना, आप पहचान सकते हो कि ये फेक आईफोन है, क्योंकि फेक आईफोन के अगर आप बेजल्स देखोगे यहां पर तो ये बहुत ज्यादा मोटे है, जबकि एक रियल आईफोन के अंदर इतने बड़े बेजल्स नहीं आते। इनफैक्ट अगर आप डायनेमिक आईलैंड भी देखोगे, फॉर एग्जांपल आपकी वाली कॉपी में जो है ये पूरा एक भी आता है, तब भी जो है इतना मोटा बेजल ऊपर वाली
वाली साइड नहीं होना चाहिए, रियल आईफोन में बहुत कम बेजल्स होते हैं। अरे नकली आईफोन है ना गाइज, इसका सच बता रहा हूँ टच बहुत बेकार है, इतना लैग कर रहा है ये। और अगर मैं इस वाली एरिया में आता हूँ ना तो यहाँ पर वापस में जा ही नहीं सकता इतने अच्छी तरीके से, इतना ज्यादा जिटर है यहाँ पर। इनफैक्ट इस फोन का जो टच है वो इतना बेकार है कभी कभी वर्क नहीं करता। मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर एक एनिमेशन भी आती है जैसे कि आईफोन के अंदर होती है, बट ये जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना पूरा एंड्रॉइड है, ये पूरी की पूरी iOS की स्किन डली हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर फेस ID रजिस्टर करने के लिए भी बोलता है जो कि एकदम असली आईफोन की तरह रजिस्टर होता है, और सरप्राइजिंगली ये फेक आईफोन के अंदर वर्क भी करता है। ऑब्वियसली एक रियल फेस आईडी नहीं है इसके अंदर, बट हाँ कॉपी मतलब ऐसी बनाई है कि पहचान ना पाए कोई। एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर हमें विजिट्स भी देखने में मिलते हैं जैसे कि लेटेस्ट आईफोन के अंदर है, यहाँ पर जो है फोटो का भी विजिट है। अगर मैं आपको ऐप स्टोर दिखाऊं तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई पहचान सकता है एक टेकी बंदा कि ये कितना फेक है, बट ठीक है यहाँ पर भी कॉपी करने की कोशिश करी है। और मैंने इस फोन से फोटो खींचने की कोशिश करी और जैसे कि मैंने बताया था ना फेक लेंसेज इसके अंदर, तो 2x और अल्ट्रा वाइड तो है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप मेन कैमरे से भी फोटो खींचते हो ना तो वो भी कभी कभी ब्लैक आ जाती है, मतलब इतना बुरा परफॉर्म करता है इतने जिटर्स के साथ कि फोटो भी नहीं खींच सकते हम एक फोन से। बट एक बात कहनी पड़ेगी कि फेक आईफोन के अंदर बेटर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर हम एप्पल से कंपेयर करते हैं जो कि ओरिजिनल है। और अभी वीडियो बनाते हो ना मैंने इसकी सेटिंग्स खोली और यहाँ पर अबाउट के अंदर इसका सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर डाल के देखते हैं कि एप्पल की वेबसाइट पे क्या आता है। तो सीरियल नंबर डालने के बाद लिखा आ रहा है क्या तो ये चोरी हुआ डिवाइस है या फिर ये डिफेक्टिव है या फिर एप्पल के पास किसी ने ठीक होने के लिए भेजा और वापस कलेक्ट नहीं किया। काफी क्रेजी बात है क्योंकि जो फेक आईफोन की इंडस्ट्री है ना ये बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है और ये बहुत ज्यादा सिमिलर आईफोन बनाते हुए जा रहे हैं और ज्यादा ज्यादा लोगों को बेवकूफ भी बनाते हुए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग को ऐसे स्कैम में बिल्कुल नहीं फंसना है गाइस, मैंने आपको बता दिया सारी की सारी बातें कैसे पहचानते एक नकली आईफोन को। और फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा अगर चाहे कोई ऑनलाइन बोले या फिर ऑफलाइन मार्केट में बोले कि मेरे पास चोरी वाले आईफोन से आप खरीद लो, हो सकता है आपको असली दिखाए और आपको नकली दे दे, आपको ऐसी चीजों में नहीं फंसना है। और बाय एनी चांस आपको ये फेक आईफोन खरीदना है शो ऑफ के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सच बता रहा हूं 10,000 रुपए में एंड्रॉइड फोन इससे बेटर चलता है, कम से कम उससे फोन तो उठा सकते हैं क्योंकि इससे फोन उठाना भी बहुत वर्स्ट फीलिंग है, स्पीकर भी इतने अच्छे नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत घटिया फोन में से एक है, शो ऑफ के लिए भी नहीं लेना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करके हमारी टेक ब्रांड में ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।